एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल LWD जॉब में। शिक्षक भर्ती का नया विज्ञापन, 3 राज्यों से वैकेंसी की बात करेंगे इस वीडियो में। सैलरी काफ़ी अच्छी रहने वाली है, 35,000 से लेकर 50,000 तक सैलरी रखी गई है, जिसमें प्राइमरी टीचर्स की वैकेंसी है, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स में बहुत सारे सब्जेक्ट की वैकेंसी है, इसके अलावा पोस्ट ग्रेजुएट टीचर और भी जो है नॉन टीचिंग स्टाफ की वैकेंसी है। सभी राज्यों के कैंडिडेट इन 3 राज्यों की वैकेंसी में आवेदन कर सकते हैं। सबसे पहला जो स्कूल है भारतीय विद्या भवन आर के शारदा विद्या मंदिर, ये वैकेंसी जो है रायपुर छत्तीसगढ़ की है। इसकी इन्फॉर्मेशन मैंने पहले भी आप लोगों को दी थी, और इसमें जो है सीनियर टीचर केमिस्ट्री फॉर क्लासेस 9 to 12 के लिए वैकेंसी है। 35 मैक्सिमम ईयर मैक्सिमम एज रखी गई है, और क्वालिफिकेशन जो है इसमें मास्टर डिग्री केमिस्ट्री में 60% मार्क्स के साथ में डिग्री या डिप्लोमा आपका टीचिंग में हो। डिग्री या डिप्लोमा यानी कि आपने BTC किया है, BSTC किया है, DLED किया है या BEd किया है, सभी आवेदन कर सकते हैं। बस मास्टर डिग्री आपकी जो है 60% मार्क्स के साथ में सब्जेक्ट में होनी चाहिए। 3 साल का अनुभव भी जो है CBSE स्कूल में पढ़ाने का मांग रहे हैं। बाकी जो है CTET या किसी भी राज्य का TET क्वालिफाई आपका होना चाहिए। मिडिल स्कूल टीचर इंग्लिश 6 to 10th क्लास के लिए, जिसमें 30 वर्ष उम्र रखी गई है, इसमें भी मास्टर डिग्री आपकी इंग्लिश में, डिग्री या डिप्लोमा और 3 साल का जो है कम से कम अनुभव। CTET और TET जो है वो दोनों में मांगा गया है। जूनियर स्कूल टीचर EVS के लिए क्लास 1 to 5 के लिए केवल फीमेल कैंडिडेट के लिए है। BSc 60% मार्क्स के साथ में, डिग्री या डिप्लोमा आपका, 3 साल का अनुभव, यानी कोई भी पोस्ट में आप अप्लाई करते हैं अनुभव 3 साल का तो ये मांग ही रहे हैं CBSE स्कूल में पढ़ाने का। CTET या TET जो है क्वालिफाई भी जो है होना जरूरी है, सभी में जो है आपका यही होना चाहिए। जूनियर स्कूल टीचर कंप्यूटर टीचर की वैकेंसी 1 to 5 के लिए केवल फीमेल कैंडिडेट। म्यूजिक टीचर हिंदुस्तानी क्लासिकल वोकल के लिए 45 ईयर तक के कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं, इसमें भी मास्टर डिग्री आपकी मांगी गई है, 3 साल के अनुभव के साथ में, 11th 12th CBSE स्कूल में आपने इस कोर्स को करवाया हो, ठीक है। तो अभी जो है हिंदी मीडियम कैंडिडेट के लिए भी जो है वैकेंसी देखेंगे, इसमें जो है लास्ट डेट जो है 19 मई 2024 है, यानी 2 ही दिन है आप लोगों के पास, आप आवेदन कर सकते हैं। आप लोगों को अपना जो है बायोडाटा जो है क्या करना है, ईमेल करना है, बस इतना ही है। दूसरा जो वैकेंसी का नोटिफिकेशन है BLS वर्ल्ड स्कूल ग्रेटर नोएडा वेस्ट, इसमें हेडमिनिस्ट्रेस की वैकेंसी है, ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट साथ में BEd और 5 साल का अनुभव, इसमें भी जो है अनुभव मांग रहे हैं। कल्चरल हेड की वैकेंसी है, ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट 5 साल के अनुभव के साथ में, मदर टीचर नर्सरी टू क्लास 2 टीचिंग ऑल सब्जेक्ट 3 साल के अनुभव के साथ में, प्राइमरी टीचर्स कंप्यूटर इंग्लिश हिंदी ये भी 3 साल के अनुभव के साथ में, यानी पिछली वैकेंसी में भी जो है अनुभव मांग रहे हैं 3 साल का, और इसमें भी। तो इसमें फ्रेशर बिल्कुल भी अप्लाई नहीं कर सकते। TGT सोशल साइंस हिंदी और इसमें अनुभव चाहिए। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर फिजिकल एजुकेशन IP सोशियोलॉजी, तो आप सब्जेक्ट देख लें पोस्ट देख लें। फ्रंट डेस्क एग्जीक्यूटिव की ग्रेजुएट 5 साल के अनुभव के साथ में, एक्टिविटी टीचर में थिएटर एंड ड्रामा, वेस्टर्न डांस, इंडियन एरोबिक, वेस्टर्न एंड इंडियन म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट, और ये सभी जो है पोस्ट हैं, और सब्जेक्ट मैंने आप लोगों को बता दिए हैं, स्कूल का नाम बता दिया है BLS वर्ल्ड स्कूल ग्रेटर नोएडा वेस्ट, ठीक है, ये जॉब लोकेशन रहेगी। सैलरी जो है एज पर 7th Pay Commission के अकॉर्डिंग जो है पोस्ट वाइज अलग अलग रहने वाली है। 10 दिन के अंदर आप लोगों को अपना बायोडाटा इस ईमेल एड्रेस पर भेज देना है, बस इतना ही करना है। अब नेक्स्ट जो है वैकेंसी देख लेते हैं। तीसरा जो विज्ञापन है सेठ MR जयपुरिया स्कूल सिटी सेंटर ग्वालियर, तो ये MP मध्य प्रदेश की वैकेंसी है ग्वालियर ग्वालियर की। इसमें सैलरी जो है पोस्ट वाइज अलग अलग रखी गई है, तो 35,000 से लेकर जो है 50,000 तक सैलरी आपकी रहेगी। पोस्ट का नाम है एकेडमिक कोऑर्डिनेटर, प्राइमरी टीचर्स में ऑल सब्जेक्ट की है, आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर की है, सोशल एंड डिजिटल मीडिया इंचार्ज की, प्री प्राइमरी टीचर्स की है, और नर्सरी टीचर ट्रेनिंग वाले अप्लाई करेंगे, म्यूजिक डांस ड्रामा टीचर की है, HR एंड फ्रंट डेस्क और अकाउंटेंट की, जिसमें कॉमर्स वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। बाकी आप जानते हैं कि प्राइमरी टीचर्स के लिए आपके पास जो है प्राइमरी लेवल का डिप्लोमा डिग्री होना चाहिए, और बाकी पोस्ट वाइज जो है वो आप देख लें। कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर टीचिंग एंड HR मस्ट हैव एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल इन इंग्लिश, तो ये जो टीचिंग और HR की जो पोस्ट है इसमें ये कह रहे हैं कि इंग्लिश जो है वो काफ़ी अच्छी जो है आपकी होनी चाहिए,
और बाकी जो है अनुभव 1 साल का 2 साल का ऐसा तो नहीं लिखा है, एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग एट प्री प्राइमरी एंड प्राइमरी लेवल, बस अनुभव होना चाहिए कम से कम 1 साल का भी है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर अप्लाई करने के लिए भी जो है ये एड्रेस दिया है, ईमेल एड्रेस recruitment.gwalior@jaipuriaschool.ac.in, ठीक है, कॉल नंबर भी है तो इस पर जो है आप कॉल कर सकते हैं। QR कोड भी दिया है साइड में, आप देखें स्कैन फॉर डिटेल क्वालिफिकेशन, तो क्वालिफिकेशन के लिए जो है आप चेक कर सकते हैं। तो तीनों ही वैकेंसी के बारे में मैंने आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे दी है, जो भी कैंडिडेट अप्लाई करना चाहेंगे, एक वैकेंसी ग्वालियर मध्य प्रदेश की, दूसरी ग्रेटर नोएडा, और तीसरी जो वैकेंसी भारतीय विद्या भवन आर के शारदा विद्या मंदिर रायपुर छत्तीसगढ़ की। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वैकेंसी की सूचना जैसे ही मालूम होती है किसी भी राज्य की, स्पेशली टीचिंग से जुड़ी, आप लोगों तक पहुंचाई जाएगी वीडियो के माध्यम से। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और लाइक भी कर दिया करें, क्योंकि लाइक करने से जो है वो आप लोगों का कोई भी नुकसान नहीं होता है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर पहली बार चैनल पर आए हैं, बेल बटन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जितने भी वीडियो आते हैं लेटेस्ट आप लोगों को सूचना मिलती रहेगी। थैंक यू।